सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग मैं करूँगी नहीं क्योंकि दिन का टाइम है, गुड आफ्टरनून का। और आज मेरा ब्लॉग इसलिए मैं लेट बना रही हूँ, रीज़न ये है कि एक तो ठंड बहुत पड़ रही है बाहर और हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं मेरे कि ऐसा लगा कि रजाई में बस बैठे रहो, तो इसलिए मैंने आज अपना ब्लॉग लेट चालू किया है। बट पॉइंट की बात तो यह है, चालू तो किया है चल लेट किया है। सो गाइस अभी टी टाइम नहीं है, अभी 4 तो बजे नहीं है, नहीं 4:30 में, अभी 1 का टाइम है, 1 या 1.5 का टाइम होगा हंस से बस। तो चाय बन रही है मेरी, उसका रीजन है कि मैंने अपना सर धोया था, इसी चक्कर में मैंने अब चाय बना रही हूँ क्योंकि एक तो बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है और आपको पता है कि सर भी सर्दी का सीजन वैसे ही है, सर धो के आई हूँ, फिर कभी ठंड लग गई तो फिर वही कोल्ड वोल्ड का चक्कर हो जाएगा, उससे बेटर यह है कि पहले से प्रोटेक्शन की जाए और इसीलिए मैंने अब चाय रखी हुई है। और अगर मैं पीऊँगी तो कॉमन सेंस से सभी पियेंगे, अपने लिए तो रख नहीं सकती, और काफ़ी देर से रखी हुई है, कम से कम 10-15 मिनट हो गए मुझे। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ऐसे चाय नहीं बनाती हूँ कि बस 2-3 उबाले आए और बस पत्ती डाल दी, मेरी कम से कम 10-15 मिनट तो उबलती है चाय, उसके बाद मैं पत्ती डालती हूँ। सो गाइज आप भी सोचते होंगे कि मैं डेली मेरे मैं ब्लॉगिंग किचन से स्टार्ट करती हूँ अधिकतर, उसका रीज़न ये कि मैं डोमेस्टिक ब्लॉग्स बनाती हूँ तो फिर काम पूरे दिन रहता है, किचन गई तो फिर किचन के अंदर ही शूट किया जाएगा, रूम का काम मुझे इतना होता नहीं है, मेरे को पूरे दिन किचन में ही काम होता है ज़्यादा, और रूम का होता भी तो कम होता है, अदरवाइज मैं किचन में ही रहती हूँ, कभी एक काम होता नहीं उसके बाद दूसरा काम हो जाता है। अब कॉमन सेंस है, अगर मैं अब घर में ही रहती हूँ तो काम किचन का ही होगा और तो कोई हो नहीं सकता। सो अभी चाय मेरी उबल रही है, अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं फटाफट से पत्ती, और मैं इसके अंदर मैं तो उसके अंदर वो भी डालती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, पुदीना, पुदीने की 3-4 कलियाँ भी मैं इसके अंदर डालती हूँ चाय के अंदर, इतनी मस्त चाय बनती है, इतनी अच्छी चाय बनती है कि आप भी एक बार ट्राई करके देखना, मतलब कि अदरक भी डालो और उसके अंदर पुदीने की 3-4 कलियाँ भी डालो, 3-4 पत्ते सॉरी या 4-5 डाल लो वो डालो और उसको भी उबलने दो, उसके अंदर भी चाय बहुत अच्छी बनती है, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो मैं तो यही करती हूँ अधिकतर, डेली नहीं अधिकतर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सो गाइज अभी मेरी चाय बन रही है और उसके साथ साथ अभी मेरे को शाम की प्रिपरेशन की भी करनी है क्योंकि आज फिर संडे है और संडे को मैं टाइम क्या मिलता है निकालना ही पड़ता है, मंदिर जाती हूँ जहाँ मैं पहले गई थी, पिछली बार गई थी ना, मैंने ब्लॉग बनाया था वहीं पे आज मेरे को जाना है, और अगर जल्दी से चले जाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी नंबर आ जाता है, नहीं तो फिर भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए टाइम से जाना पड़ता है, तो हार्डली 5:30 बजे से चले जाऊँगी मैं और फिर से देखूंगी। उस दिन मेरे को टाइम मिल गया था, उस दिन भी मैं जल्दी गई थी, भीड़ नहीं थी इसलिए ब्लॉगिंग कर पाई थी, आज भी देखूंगी अगर भीड़ नहीं होगी तो ब्लॉगिंग करूंगी, मतलब अगर मैं जल्दी गई तो भीड़ तो कॉमन सेंस से नहीं होगी, ब्लॉगिंग हो जाएगी। सो फिर अभी मेरी चाय बन रही है तो उसके बाद लंच का टाइम होगा, फिर लंच के बारे में सोचना है क्या बनाना है, तो अभी तो फिलहाल चाय पर ही काम चल रहा है मेरा, बस चाय बना लेती हूँ। सो गाइज अभी मेरी चाय जो है वो बिल्कुल बन गई है, सो मैं फटाफट से अपनी चाय पी लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे लंच का भी करना है और उसके बाद फिर मंदिर के लिए प्रिपरेशन करनी है, और पीछे जो आप चीजें देख रही हैं वो सब मेरी दादी के लिए, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, अनार हैं, और ये है नारियल का पानी क्योंकि मेरी दादी पानी कम पीती हैं तो उनके लिए डेली ये नारियल पानी आता है, और इसका आपको पता प्लस पॉइंट क्या होती है, इसे वीकनेस भी नहीं होती है और डिहाइड्रेट भी नहीं होता है, सो इसलिए मेरी दादी के लिए डेली आते हैं। सो अब क्या किया जाए, अब फटाफट से चाय पी जाए और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज अभी हो चुके हैं 5:30 और अभी हम चलते हैं फटाफट से मंदिर क्योंकि अगर हम लेट जाएंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा बहुत ज़्यादा और फिर मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मुझे लगता है टाइम से जाया जाए तो बेटर होता है क्योंकि क्राउड कम रहता है। सो अभी चलते हैं मंदिर, और मंदिर भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो फिर चलते। सो गाइज आज हम फिर से मंदिर में आए हैं और मैंने आपको पहले ही मंदिर दिखाया था ये कि ये ऐसा दिखता है, और आज आप फिर से देखिए क्योंकि हम एवरी संडे को, हो सके तो एवरी संडे को ही यहाँ आएंगे, तो जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ वही मैं आपको और दिन भी दिखाऊँगी संडे टू संडे। और बाकी ये देखिए, सो गाइज ये हैं भैरव जी और ये हमारे कुल के देवता हैं, ये देखिए, और बाकी सारी पिक्चर्स तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये देखिए, मतलब कि ना हमें पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं जब भी आप ऐसे आते हो क्योंकि जब हम छोटे थे तब आते थे।
और उसके बाद कोरोना का नाटक हुआ, देन फिर मैं बंद हो गई और आप फिर से स्टार्ट किया। सो गाइज, ये तो आप सबको पता है कि ये क्या है, शिवलिंग। हाँ, ये शिवलिंग है। और पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने आपको बाकी थोड़ा बहुत दिखाया था, इतना दिखाया था। ये देखिए, अंदर से ये ऐसा है। ये देखिए, मतलब जब हम बहुत छोटे थे तब आते थे तब भी ये ऐसी थी, और अब भी ये ऐसी है। मतलब वही मूर्तियाँ, सब कुछ वही, थोड़ा सा भी नहीं बदला है। ये देखिए, सब से ऊपर से, सो गाइज, ये है पीपल का पेड़। ये भी इस मंदिर, ये मंदिर के अंदर है, और ये भी बहुत पुराना है। मतलब जितना पुराना मंदिर है उतना ही पुराना पेड़ है। पॉइंट मतलब कि फोकस करने वाली बात ये है कि ये भी पेड़ देखो मंदिर के अंदर, और यहाँ पे हर शनिवार को लगती है जो। सो गाइज, ये है वो पीपल का पेड़ जो मंदिर के अंदर से निकला हुआ है। ये देखिए, गाइस, जिनके अभी मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ वो नौ ग्रह के देवता हैं। मेरे साथ साथ आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। देखिए, सो गाइज, जैसे अभी मैंने परिक्रमा की है, आप समझ लीजिए कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी नौ ग्रहों की परिक्रमा कर ली है। और यह नंदी जी, ये देखिए, और क्या दिखाऊं, कुछ है तो नहीं गया। गाइज, ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये जो आप चोला देख रहे हैं, ये हर ट्यूसडे और सैटरडे को चेंज होता है। लोग जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो भी चोला चढ़ाते हैं, और जिन्होंने मन्नत नहीं मांगी वो भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि अपनी 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 श्रद्धा होती है, अपना अपना भाव होता है। तो ये देखिए, कितनी अच्छी मूर्ति लग रही है। सो गाइस, ये आप देख रहे हैं जो आपको बेड दिख रहा है, जिसके ऊपर दो बॉक्स पड़े हैं, वहाँ पे नवरात्रों के टाइम माँ दुर्गा जी को शयन करवा जाता है, यानी कि सुलाया जाता है। ये भी एक अपनी भावना है। सो गाइस, हम लोग मंदिर से आ चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग मंदिर में गए तो थे, लेकिन जिसके अंदर हमें जोत लगानी थी यानी कि दिया, हम वही घर भूल के गए थे। तो कुल मिला के हम लोग भुलक्कड़ साबित हुए थे, क्योंकि जिसके अंदर जोत लगानी थी हम वही लेके गए। फिर मेरे पापा आए, काफ़ी टाइम लग गया उसको लाने में, मतलब 15-20 मिनट लग गए, और फिर हमें 6:30-7 बज गए थे वहीं पे। तो इसलिए मैं ब्लॉग अब वहाँ एंड नहीं कर पाई थी। और क्या बोलना है, और डेली वाली चीज़ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ एक फिंगर का यूज़ होता है। कितनी बार मैंने आपको बताई ये चीज़, आप खुद भी जानते हैं, आप सब समझ जा रहे हैं कि एक फिंगर से तो होता है। सब्सक्राइब कर दो ना, मत देखना क्या हुआ सब्सक्राइब कर दो, लोग नहीं देखने आपको, मत देखो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, तो कर दो। सो गाइज, ये तो रोज़ की बात है, मैं आपको बोल देती हूँ, इम्प्लीमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ GTR ब्लॉग। सो गाइज, कल मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, पीसी, स्टे होम, स्टे सेफ।